दरख्त भी साथ है, वो साथ दरख्त भी है, वो ऊपर झंडा भी लगा हुआ। ये वाली पिक्चर है वो लोग, ये खंबा नहीं साथ में लगा हुआ है, तस्वीर बड़ा अच्छा रखा है। हमने मस्जिद महाबत खान जो सबसे पहले दिखाई थी, बाकी ये यहाँ से ब्रिज से गुजर रहे, वो गैदरिंग गुदरिंग हुई है, जलसा वगैरह किस चीज़ का हो रहा है पता नहीं। अच्छा तबलीगी जमात है आई थिंक सो। आ गई है, रास्ता देख के क्रॉस करो भाई। एक फोर्ट रहता है यहाँ पे, वो फोर्ट देखना है। ये ले जी फोर्ट आ गया है, गड्डी खड़ी डाल दी। आप कहाँ पे गाड़ी खड़ी करें, यहाँ पे आगे रश के पीछे, इधर नहीं खड़ी हो रही, यहाँ आगे जाना। अब यहाँ पे फौज भी खड़ी हुई है, अब बनाने देंगे कि नहीं बनाने देते क्या है यार। यहाँ पे तो भाई फौज ही फौज खड़ी हुई है, करवा वाली फौज। चलो भाई ये फोर्ट बंद है, यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, कोरोना की वजह से उनका बंद है। अब क्या बोले बंदा, वैसे ये फोर्ट बाहर से कुछ इस तरह का है, बस ये देख लो। अब हम लोग जाएंगे और कौन सी जगह यार घूमने वाली, निशान लगाना पड़ेगा। कोरोना के वजह कह रहे बंद है, नहीं विजिट करने देते। वैसे था बहुत ही VIP की, और अभी भी वेल मेंटेन है, जितना भी फोर्ट है ना सबसे ज़्यादा। अब सिर्फ और सिर्फ ना एक चीज़ है माइंड में, खैबर पास जो वो मेन दरवाज़ा है ना, जिसकी वजह से करके पेशावर होता है हमारे माइंड में, जब भी पेशावर का नाम लेते हैं तो खैबर पास की वो आ जाती है वो इमेज सामने, और नोट के ऊपर भी बना होता है खैबर पास। तो आए वो लाइव चल के देखते हैं। अभी डायरेक्शन लगाइए यहाँ से जिस जगह पे हम लोग हैं, तो 46 किलोमीटर है, 1 घंटा और 12 मिनट में पहुँचेंगे। रास्ते जिसके ऊपर जा रहे हैं वो कुछ ऐसा रास्ता, रास्ते तो खैर पाकिस्तान के सारे ही तकरीबन ऐसे ही है ना, रश है, बाकी कारपेट रोड है भाई VIP किस्म का। और बाकी बंदे जो आता है ना, जिसका जो इंटेंशन होती है, जिस हिसाब का बंदा होता है उसको उस हिसाब से ही माहौल मिलता है। अब हमारे गांव के बंदे मोस्टली आते थे यहाँ पे जानवरों को सेल परचेज करने के लिए, तो वो मंडी वाली साइड पे जाते थे, तो वो इमेज छप चुका था पेशावर का, कहो जी पेशावर ले कर चलते हैं जानवर, वहाँ पे जानवर सेल हो जाते हैं। तो मैं समझता था शायद सारे इस तरह का ही है, कोई मॉडर्न शॉडर्न वाली चीज़ नहीं है पेशावर में, पर पेशावर बाय गॉड बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लोग मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा है इस साइड के। अंडर पास छोटा फ्लाई ओवर वो ऊपर गया और ये नीचे और पीछे, क्या माहौल है भाई साहब, फ्लाई ओवर बने हुए हैं पेशावर, कमाल है भाई कमाल। काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ जो है ना वो दूर हो गई पेशावर आके। पहले मैं समझता था जिस तरह घर का दरवाज़ा होता है पहले वो लगा होता है, बाद में फिर आगे घर होता है, सहन वगैरह कमरे वगैरह, तो मुझे यही फील होता था कि पेशावर एंटर होने से पहले ना ये खैबर पास गेट लाजमी होगा, फिर बाद में उससे एंटर हो के आगे पेशावर ही पेशावर होगा। पर इस तरह कुछ नहीं है, खैबर पास टोटली अलग है और ये अफगानिस्तान के साथ है। चलो जी शहर से बाहर निकले तो कुछ ऐसा इलाका है पेशावर का, हमारे मक्कुआना साइड जैसे ही। तो फिर भी ठीक है, तख्ता बेग से गुजर रहे हम लोग, तख्ता बेग। ये कोई दरिया सा है कि क्या है, मुझे लगता है नदी नदी नदी, अफगानिस्तान वाले होंगे जो इधर ज्यादा बैठे हुए हैं, वो सारा है हो सकता है। काबुल 224 किलोमीटर अभी है आगे है? हाँ जी, फ्रूट मार्केट है कि क्या है, फ्रूट सेब दे कितना लाल है। दरवाजा आ चुका है जी, यही है आगे अफगानिस्तान के अंदर। हेलो भाई, हाँ हाँ, इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर, हम लोग वैसे यहाँ पे फोटो ही क्लिक करने के लिए आए थे, अब इसका भी फोटो क्लिक करना पड़ेगा, ये भी टाइम आना था। ये पकड़ो अच्छा वाला बनाना, अच्छा हाँ ठीक है बना ले फोटो बनवा लो ना बाद से। क्या हुआ, और बाकी वो फौज बैठी है सारी, ये खैबर पास है, बाबे खैबर है ये वाला, ये उस साइड पे कुछ लिखा भी हुआ है, तो वो भी देख ले यार क्या कुछ लिखा हुआ, क्यों नहीं जाने देते। यही सामने रोड आ गए अफगानिस्तान की तरफ, ये अगर सामने आते हैं तो ये मैप आ गया पहले नंबर, तो
एडवेंट ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ द सन ऑफ इस्लाम। इस साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। ये कुछ लिखा हुआ है सारा इसके रिलेटेड। अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा तो मैं बताऊंगा नहीं। चले इन भाई से पूछे वीडियो ड्रोन के साथ जहाँ पे फ्लाई करना नहीं अलाउ। बाकी अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की, ये बना कब था? 1964 में जनरल अयूब की फौज ने ये बनाया था। जनरल अयूब के दौर में ये बना था भाई। बाकी ये जो है कबायली इलाके में एक गेट है, और उसके अलावा ये सामने जो है ये किला है, ये वाला साउंड गेट ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि शुरू से मैंने ये गेट की तस्वीरें देख देख के ना पैसों के ऊपर, तो एक दफा होता था भाई साहब पैसों के हो। वो तोपें भी रखी हुई हैं। हाँ, तोपें भी रखी छोटी, वैसे दिखाने के शो पीस। मैं जो काम करता हूँ ना वो हद से थोड़ा सा करता हूँ। अब पैसे के साथ वो तस्वीर बनाई है 10 रुपये निकाल के, तो वहाँ पे सभी ने पैसे निकालना शुरू कर दिए। अरे अच्छा, ये भी आइडिया सही है। एक चीज़ ऐसे यानी कि देखनी थी यहाँ पे अभी, दारा आदम खेल, वो गन्स मार्केट है यहाँ पे पेशावर में, पता नहीं वो कितनी दूर है। इस साइड में इतनी फौज, इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी टाइट, के बाद साहब की सोच है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है? 60 रुपये। ये कर दो, 2 दर्जन कर दो भाई। दो? हाँ। 110। मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन कर दे। बंदे का? 2 दर्जन दे दो। हाँ, दो दर्जन। पंजाबी किस्सा समझ नहीं लगती इनको, पर पंजाबी तो मैं यहाँ बोल रही नहीं हूँ, मैं तो उर्दू में बोल रहा हूँ भाई, दे दो। उर्दू की भी काम भी समझ लगती है यहाँ पे, पर लग जाती है ज़्यादा बंदों को। रश के अंदर फंसे हुए हैं हम लोग, और जिस तरह का पेशावर मुझे लगता था ये पेशावर बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा ये माहौल बिल्कुल मक्कूवाना जैसा लग रहा है हमें। यहाँ पे मेट्रो चलती है फिर भी अच्छा इस हिसाब से है। ये सिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सिटी से थोड़ा सा बाहर निकले तो ये माहौल आ जाता है। फैसलाबाद इस लिहाज से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे इस तरह फौरन इस तरह का हालात नहीं आ जाते, यहाँ पे फौरन इस तरह के हालात चेंज हो जाते, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो वाली चीज़। जब मैं थाईलैंड गया था ना तब मुझे इस तरह का माहौल देखने को मिला था, याद आ गई थाईलैंड की। बस ड्रेस का फ़र्क था वहाँ पे और यहाँ पे। एस्केलेटर वगैरह लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए, ताकि ज़ईफ़ बंदा कोई हो तो ऊपर चला जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल भी है पेशावर, सबसे बड़ा सिटी। वायर्स हैं बहुत ज़्यादा, एक आधी ख़राब हुई तो पट पट पट। हम लोगों ने डायरेक्शन अब लगाई है रावलपिंडी की, 3 घंटे और 6 मिनट का सफ़र है, तो अब वापसी जितना घूमना था हम लोगों ने काफ़ी घूम लिया। फोर्ट की लाइट्स ला दी गई हैं, फोर्ट वैसे बाहर से दिखाने वाला होता है खूबसूरती सारी, अंदर से तो बस वही है कमरे कमरे। फोर्ट कॉन्टिनेंटल होटल, वाह होटल, पेशावर के बीचों बीच रास्ता निकाला है। शीशे के ऊपर देख, तारे शीशे के ऊपर देख, क्या हुआ बड़ा सारा।